हेलो दोस्तों, ओप्पो A54 और ओप्पो A74 के रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले जो था कि ओप्पो का A52 A53 में दिक्कत आएगा, लेकिन अभी क्या है कि ओप्पो का A54 A74 और एक और मॉडल है A55 करके, हालांकि इसके पीछे कमेंट जो है बहुत कम है, लेकिन फ़िलहाल अभी जो है कंटिन्यू इन तीनों स्मार्टफोन के रिगार्डिंग बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं। बहुत सारे कस्टमर के अलावा जो दुकानदार हैं उन्होंने भी स्पेशली मेरे को ये कमेंट किया है पर्टिकुलर हर वीडियो में कि सर आप ओप्पो A74 और 54 के ऊपर में वीडियो बनाइए और 55 करके भी एक मॉडल है उसके ऊपर भी आप एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए। तो स्पेशली हम कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट सीरीज में कि तीनों के बारे में एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बनाया जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये जो वीडियो देख रहे हैं तीनों मॉडल में ये वर्किंग है और नवंबर का लेटेस्ट जो अपडेट आया है उसके साथ इसको हम लोगों ने इन्हेंस किया है अपनी टीम के साथ और एक स्पेशल कोड के थ्रू इसको ब्रेक भी किया जा सकता है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से अनलॉक किया जाता है, जो भी वीडियो होगा आप उसको पूरा देखेंगे, एंड तक देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि जो नया कोड आया है उसको आपको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि नवंबर के कोड में थोड़ा सा अभी टेस्टिंग चल रहा है। बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आ रहा है कि सर मेरे में ये कोड काम नहीं कर रहा है। तो फिलहाल अभी जो डेवलपर्स हैं उसके द्वारा अभी भी बग बहुत सारे सेट में भी चल रहा है, यानी कि बहुत सारे फ़ोन में ऐसा हो रहा है कि वो काम ही नहीं कर रहा है। तो इसके पीछे अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है अपने इंस्टाग्राम पे और हमें बताना है कि क्या आपके फ़ोन में भी वही दिक्कत हो रहा है या नहीं। फ़िलहाल अभी हमारे पास जो स्मार्टफोन है इसमें जो कि आप देख सकते हैं कि पैटर्न वाला इशू है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैटर्न लॉक लगा हुआ है। और अगर आपके फ़ोन में अगर पैटर्न से रिलेटेड कोई इशू है या फिर पिन से रिलेटेड, पासवर्ड से रिलेटेड, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आपका ना फिंगरप्रिंट काम करता है ना ही आपका फेस लॉक यहाँ पे काम करता है। काम करता है तो सिर्फ जो है इमरजेंसी मोड वाला ऑप्शन, और वो भी बहुत सारे लोगों का जो है फेल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इमरजेंसी कॉल को ओपन कर लेना है कुछ इस तरीके से। और फिलहाल जो हम यहाँ पे सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने सिम कार्ड निकाल दिया है तो भी कोई उसमें दिक्कत होने वाली बात नहीं है, आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है डायरेक्टली या फिर सिम निकाल के यूज कर सकते हैं या फिर सिम में जो है आपका लगा हुआ यूज हो सकता है। तो यहाँ पे अब जो है यहाँ पे हम आपको एक सीक्रेट कोड बताने वाले हैं। ये कोड यहाँ पे कुछ इस तरीके का है, आप इसको देख लीजिए। ये कोड जो है लेटेस्ट अभी नवंबर का ही कोड है और ये जो है हो सकता है कि कंपनी अभी इस पर सोच रही है, क्योंकि अभी जो है लेटेस्ट मेल आया था डेवलपर्स के थ्रू कि इस कोड को अभी नेक्स्ट जो है दिसंबर मंथ तक हो सकता है वो लोग रोल आउट ना करें, इसी कोड का यूज किया जाए। तो जैसा होगा अपडेट हम आपको बताएंगे। अब जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको कॉल कर लेना है यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको 2 से 3 बार कर लिया है, लेकिन ये आपको मिनिमम 4 टाइम करना है और यहाँ से इसको रिमूव कर देना है। जिन लोगों ने नंबर्स को नहीं लिखा है वो बैक करके देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे हमें स्टार हैज 8 99 और हैज़ यूज़ करके इस कोड को इन्हेंस करना है, कैसे ये इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपके फ़ोन का एंड्रॉयड वर्जन क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये चेक करना है कि आपके फ़ोन का एंड्रॉयड वर्जन क्या है। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे स्मार्टफोन का एंड्रॉयड वर्जन 11 है, तो आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ 11 में ही वर्क करेगा। अगर आपके पास 7, 8, 9 या 10 है तो फिर आपको एक लिंक के थ्रू एक सॉफ्टवेयर को PC के थ्रू अपडेट करना होगा और वो सॉफ्टवेयर जो है आपके लॉक फ़ोन में भी वर्क करेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन लोगों के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है आप नीचे कमेंट में लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन लिंक जो है डायरेक्टली हम डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये एज पर रूल यूट्यूब के ख़िलाफ़ है। तो आपको कमेंट करना होगा और किसी दूसरे मेथड के थ्रू हम आपको वो लिंक सेंड करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि बस आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है, ये देखिए माई कैरियर वर्जन करके आता है, ये देखिए यहाँ पे है ना। तो ये आपके सिम कार्ड से रिलेटेड है, तो आपको इसको इस तरीके से कंटिन्यू टैप करना है। टैप करने के साथ ये देखिए यहाँ पे वाइट कलर का जो लंबा लाइन है ये आना चाहिए, है ना, देख लीजिए।
तो इससे ये आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका फ़ोन जो है 100% अनलॉक हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि बैक कर लेना है। बैक करने के लिए आप ऊपर नीचे दोनों का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि मैनुअल टेस्ट पे चल जाना है और सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे आप चले जाइएगा। देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे सिर्फ आपको ये रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर वाला ऑप्शन पास हो जाएगा। एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि यहाँ पे डेट हमारा जो है लेटेस्ट 2021 का है। ये देखिए यहाँ पे 2021 मेंशन होना चाहिए और कम से कम यहाँ पे 2 या 3 होना ही चाहिए। मतलब कि मंथ जो है या तो आपका फरवरी हो या फिर मार्च हो, ये लेटेस्ट यहाँ पे मंथ होना चाहिए। इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और फिलहाल जो OTA अपडेट यहाँ पे शो हो रहा है हमारे फ़ोन का, जो कि 10वें महीने का है, तो ये जितना लेटेस्ट होगा उतना ही इजी होगा आपके लिए फ़ोन को अनलॉक करना। तो दोनों डेट आप यहाँ पे याद रखें। अब यहाँ पे आपको बीच में वाइट कलर का ऐसा दिख रहा है, इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे एंड देन आपका फ़ोन यहाँ पे 100% अनलॉक हो चुका है। आपको कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ट्रिक आप बिल्कुल यूज़ करें, सेफ़ है। 100% आपका डेटा यहाँ पे सिक्योर रहेगा, कोई भी डेटा मैसेज डिलीट नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट्स करें मेल के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का आईडी भी माइंड डेस्क है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।